मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? प्लीज़ इग्नोर माई गला, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है बात करते करते, चिल्लाते चिल्लाते। और एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, क्यूट सी बाची, क्यूटी 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 क्यूटी। ये बहुत ही क्यूट सी बाची है। अभी 11 बजने बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी भाई लोग बोल रहे हैं चलिए यहाँ के एक दूसरे मंदिर थोड़ा बाहर घुमा के लाते हैं आप लोगों को। जाने का तो मन नहीं है, बट भाई लोग बोल रहे थे चलो चलो चलो। तो हम लोग बोले थे कि कितना तेज़ धूप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हुई है। बट हम लोगों ने बोला ठीक है चलते हैं, कल हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है। तो ठीक है ना भाई, आए हैं तो थोड़ा भाई लोगों का भी मन रख ही लेते हैं, तो इसलिए हम लोग रेडी हुए हैं। रेडी क्या मतलब, सिंपल घर का ही कपड़ा मैंने पहना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बट इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं इस पल को बस इन्जॉय कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मोमेंट रिकॉर्डिंग करने से शायद फिर खो जाएगा। इसलिए प्लीज़ 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 सॉरी। तो चलिए चलते हैं। बाल भी खराब ही हो गया है। अंदर वहाँ सबसे मस्त लग रहा है। कौन सा भगवान जी है? खंडी भगवान। फोटो खींचने का डिस्कशन चल रहा है। ये मेरा भाई बहुत अच्छा फोटो लेता है। तो बहुत सारे फोटो लेने के बाद, और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, एक मंदिर में आए थे वहाँ पे हम लोगों ने घूम लिया है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इतनी अच्छी व्यू है ना यहाँ पे, ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। दी का कॉल आ रहा है में, भाई हम लोगों को घुमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ हम लोग को लेके आए हैं घुमाने के लिए। वहाँ पे गए हैं वो लोग, पानी का शायद कुछ धार जा रहा है कि पता नहीं क्या। हम लोग तो नहीं जा रहे, हम लोग तो यहीं पे रील्स बना रहे थे। भाई तभी अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मेरा ईमेल आईडी है rinkypandey355। तो वहाँ पे जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और बस मेरे प्यारे प्यारे रील्स, अच्छे अच्छे रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, देखती हूँ कि क्या वहाँ पे क्या कारनामा हो रहा है। भाई ये हैं, भाई हैं, तो वो लोगों ने बोला कि जो भी गाँव में होता है ओबियसली गाँव में क्या ही होगा, खेत पेड़ पौधे जो कि बहुत सुकून देते हैं। बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो लेकिन बुला रहे हैं, तो हम लोग बोले कि ठीक है आते हैं भाई। हम लोग वहाँ पे तब तक रील्स बना रहे थे, बहुत अच्छे बैकग्राउंड में पेड़ पौधे बहुत अच्छे थे। तो बस अभी जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जब देखिए बोलते हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब फैमिली साथ होती है ना, तो आपको किसी ओकेशन किसी फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको फैमिली चाहिए, एंड दैट्स इट। फैमिली साथ में है तो आपके लिए हर दिन फेस्टिवल है, हर दिन त्यौहार है, और आप हर दिन मस्ती कर सकते हो। तो मेरे मामा के घर, मेरे दो मामा हैं और उन दोनों मामा को मिला के 5 बेटे हैं, तो मेरे 5 भाई हैं। और बगल में ही मेरी नानी की बहन का भी शादी, पहले तो दोनों बहनें की शादी एक ही घर में हो जाती थी ज़्यादातर, तो वो लोग भी बगल में ही है, तो वहाँ भी 5-6 बच्चे हैं उनके भी, तो 10 भाई हैं यहाँ पे। बहन उनके यहाँ है बट मेरे खुद के मामा की कोई बहन नहीं है। तो जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो ढेर सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा अपनापन, तो बहुत मज़ा आता है। इन शॉर्ट तो भाई लोगों ने जिद किया कि चलो दी घुमा के लाते हैं हम लोग। धूप तो था, निकलने की इच्छा नहीं थी, बट हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई चल चलते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे रील्स बना रहे थे, भाई हेल्प कर रहा था छोटा वाला रील्स बनवाने में। अभी बड़ा भाई बोला, मतलब हम लोगों से कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पे सभी छोटे ही हैं, तो मतलब इन सब में जो बड़ा है वो ही लेके आया हम लोग। तो उसने बोला दी आप आओ ना, यहाँ पे पानी बहुत अच्छा चल रहा है, धार है। तो बोले कि ठीक है आते हैं चलो चलते हैं। तो बस यही मस्ती चल रही है और क्या। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, भाई के पास हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, दिखाते हैं पानी की क्या धार है क्या नहीं। चारों तरफ यहाँ पे खेत है, वाइट रेत बालू, तीनों भाई आपको दिख रहे होंगे,
वही तीनों भाई हम लोगों को लेके आए हुए हैं। और वाकई यहाँ पे पानी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी। उधर तो थोड़ी गर्म हवा लग रही थी, बट चूंकि यहाँ पानी है तो हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है पानी। मजा आया, हम लोगों ने पानी में बहुत ही ज्यादा फोटो शूट किया। और अभी भी भाई लोगों का फोटो शूट चल रहा है, दिल डर के नहीं कर रही है, देखिए वो गिर जाएगी। और पीछे देखिए आप कितनी हवा चल रही है, पानी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा पानी है। मतलब मजा आ गया है हम लोगों को यार, सच्ची में मतलब मन खुश हो गया है यहाँ पे आके। इतनी ज्यादा है बट लग नहीं रही है कि इतनी ज्यादा धूप है, क्योंकि हवा बहुत तेज है और पानी की वजह से ठंडी होने लग रही है। अभी थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आया, हम लोगों ने पानी में बहुत ही ज्यादा फोटो शूट किया। और अभी भी भाई लोगों का फोटो शूट चल रहा है, दिल डर के नहीं कर रही है, देखिए वो गिर जाएगी। और पीछे देखिए आप कितनी हवा चल रही है, पानी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा पानी है। मतलब मजा आ गया है हम लोगों को यार, सच्ची में मतलब मन खुश हो गया है यहाँ पे आके। इतनी ज्यादा है बट लग नहीं रही है कि इतनी ज्यादा धूप है, क्योंकि हवा बहुत तेज है और पानी की वजह से ठंडी होने लग रही है। तो अभी थोड़ी देर करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बहुत मजा आ रहा है। फिर हम लोग एक मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है ना। और यहाँ पे बगल में बन भी रहा है मंदिर इसी का। द व्यू नीचे तू कहाँ कहाँ गई जा, हट जा, हट जा वहाँ से। का दर्शन हो चुका है और अब हम लोग जाएंगे इधर घूमने। बहुत अच्छी पानी है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। शाम भी हो चुकी है, हवा भी चल रही है, तो बस ऐसे ही टपड़ी मारने निकले हैं सब भाई बहन का ग्रुप। तो अभी हम लोग निकलेंगे, यहाँ भी कुछ फोटोज वगैरह लिया जाएगा। मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो बस इंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और क्या क्या दिए, पंजीरी बोले, बुला दो सबको पंजीरी। पुचका खाया, एक्चुअली नॉर्मली गांव का पुचका अच्छा नहीं होता है, बट ये वाला अच्छा था। अभी देखते हैं कि क्या खाने का प्लानिंग चल रहा है। क्या खाना है, चटनी का है क्या? वो क्या कर रहे हो, भर लो तीखा वाला मीठा वाला सब। क्या हो रहा है यार, लेते आओ लेकर आओ चटनी। वो डालो क्या है, मीठा सॉस है, डालो। समोसा खाने जा रहे हैं, दो टेबल फुल हो गया है हम लोग, हम लोगों की वजह से। कौन सा भाई, पेपर दे दिया, चटनी प्लेट में आया तो पेपर में आ गया समोसा। वैसे खाना है यहाँ पे देसी टाइप्स, देसी ले आदमी सभी। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। अच्छा है, खाने जा रहे हैं हम लोग। सेल्फी लेना, सेल्फी लेना, आओ आगे चलो। ओ अब क्या सेल्फी ले, डन हो चुका है, बाइक बाइक लेके रेडी है दोनों। अब चलिए चलते हैं घर, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, 5 बज चुकी है। अभी हम लोग कुल देवता के मंदिर आए हैं, जो हमारे नानी के यहाँ का है, ये माता रानी। कलसा लगा हुआ है चैत नवरात्र का। ये देखिए मोर, ये देखिए भाग रहा है, ओ माय गॉड, ये देखिए मोर मोर मोर। ये बाहर का एरिया है मंदिर का, इतनी खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि अंदर
कुछ सेवा करने का मौका मिल गया मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। माता रानी ने मुझसे कुछ सेवा लिया, इसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें रक्षा सूत्र भी मिला, प्रसाद भी मिला, चुंडी भी मिली माता के प्रसाद की। तो सफल रहा आज का पूरा दिन, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग रहा। तो इसी अच्छे विचार, अच्छी जगह पे मैं इस ब्लॉग की एंडिंग देती हूँ। होपफुली आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो बस अभी हम लोग घर जाएंगे, रास्ते में एक और मंदिर है, वहाँ भी माथा टेकते हुए जाएंगे। आज का पूरा दिन भक्ति में रहा, ये ऐसा कुछ बोल सकती हूँ। पेड़ देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बरसों पुराना पेड़ है, कितना बड़ा तना है। तो बहुत अच्छा लगता है भाई बहन के साथ, ऊपर से भगवान के दर्शन, बहुत अच्छा लगा। तो आज के इस ब्लॉग का एंडिंग मैं यहीं करती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय माता दी।